और चर्चा के लिए फुटबॉल कोच और एक्सपर्ट अनादि बरुआ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनादि सर, हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस की टीम ज़्यादा वर्सटाइल थी, इसीलिए बेल्जियम को लेके जितनी बातें चल रही थी, उनका टैलेंट, गोल्डन जेनरेशन, वो सब कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहले दाद देना पड़ेगा फ्रांस टीम को मैं कि सेकेंड हाफ में अच्छा खेली, फर्स्ट हाफ में डोमिनेट किया बेल्जियम ने। 22 मिनट तक इतना फास्ट फुटबॉल खेले, काउंटर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, लेकिन गोल नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात, जो अच्छे प्लेयर है जिन्होंने 4 गोल मारा है, लुका, वो एकदम ऑफ कलर लगे। 15 मिनट तक उन्होंने बॉल टच नहीं किया, एक फर्स्ट 15 मिनट्स में एक भी बॉल टच नहीं कर पाए, तो एक बहुत बड़ी ये बात है। अगर आप बॉल टच नहीं करते, आपके पास मैन टू मैन मार्क हैं, तो आप मैन टू मैन मार्क को एक लेके अलग अगर स्पेस बनाते, क्रिएट स्पेस करते, तो दूसरा प्लेयर फ़ायदा उठाता, वो उठा नहीं पाए। एक अगर आप मैन टू मैन मार्क करें तो आप विदाउट बॉल दौड़ के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाते, तो स्पेस खाली होता है, उसका यूटिलाइज नहीं हो पाया, इसलिए टीम थोड़ा ठीक नहीं खेल पाई। लेकिन कप्तान एजेंट ने बहुत बढ़िया फुटबॉल खेला। बिल्कुल, मैन टू मैन मार्किंग की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने जो टीम की फॉर्मेशन रही है वो भी थी। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि सैमुअल उमटीटी गोल करेंगे, ये बहुत कम लोगों ने सोचा था, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि फ्रांस के जो अटैकर्स हैं वो हमें गोल करते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब ये सेट पीसेस होता है, सेट पीसेस मीन्स कॉर्नर, फ्री किक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल होते हैं। इंग्लैंड टीम के करीब 66% में 60% गोल उन्होंने ऐसे ही मारे। इस मैच के अंदर जो लास्ट मैच में बेरेन ने मारा हेड से गोल, और कल टीटी ने मारा, ये इनके लिए तीसरा गोल है, और ये सबसे टॉप गोल है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने इस कंट्री के लिए वर्ल्ड कप में ऐसा गोल किया जो फाइनल में पहुंची। उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा हिस्टोरिक गोल करने वाले, लेकिन उन्होंने जो हेड मारा बहुत ही अच्छा, ईयर पे जाके हेड लिया, फोरहेड यूज किया और सीधा बॉल गोल पे गई। तो एक डिफेंडर को स्पॉट जंप लेना बहुत जरूरी है, और गोलकीपर का रिफ्लेक्शन सही नहीं था, अगर गोलकीपर उसी बार में खड़े हुए थे वो बचा सकते थे। बिल्कुल, फ्रेंच फैंस ने दिल्ली में कैसे देखा मैच, वो तस्वीरें हमारे सामने। फ्रांस फाइनल में किसको मिलना चाहेगा, इंग्लैंड या क्रोएशिया? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, क्रोएशिया वर्सेज इंग्लैंड, और क्रोएशिया एक भी मैच नहीं हारी, लेकिन इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, तो दोनों का अगर देखा जाए तो बेटर, मेरे ख्याल से जो मेरे ओपिनियन है, वो क्रोएशिया खेलना अच्छा चाहिए, लेकिन इंग्लैंड भी बहुत अच्छी टीम है, तो मैं क्रोएशिया के ऊपर जाता हूँ। और फ्रांस किसको, क्रोएशिया को मिलना चाहेगा? यस, ये आप यस, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अब दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो जी जान से फाइनल में पहुंचना चाहेंगी, दोनों के लिए बहुत खास है अनादि सर ये। एक तरफ इंग्लैंड है, 52 साल बाद हिस्ट्री उनके साथ है, क्रोएशिया है, उसे पता है पहली बार हमें ये मौका मिलेगा, दोनों के लिए बहुत खास होगा। क्रोएशिया एक ऐसी टीम है, 8 प्लेयर उसके जो अलग अलग गोल किए हैं, मतलब इस टूर्नामेंट में 8 प्लेयरों ने गोल किए हैं, तो क्रोएशिया एक अच्छी साइड है, कोई भी गोल कर सकता है, जिस टीम में कोई भी गोल कर सकता है वो थोड़ी हावी होगी। रही बात इंग्लैंड की, हैरी केन कैप्टन जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लिंगार्ड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया है, और 6 गोल किए हैं उन्होंने और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। एक ऐसी टीम है जो इंग्लैंड, जो हेड से ज़्यादा गोल करती है, तो आज के मैच में देखा जाएगा एक नीचे ग्राउंड फुटबॉल और एक ये एरियल फुटबॉल, उसमें किसकी जीत होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, लेकिन हैरी केन का नाम हम बार बार सबकी जुबान पर आता रहा है, लेकिन इंग्लिश टीम ऐसी है अनादि से जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स या सुपर स्टार्स इस बार नहीं है, ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही ये है। बहुत अच्छी बात है, यंग प्लेयर मिक्स प्लेयर हैं, लेकिन सब यूरोपियन लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते हैं, तो जहाँ पर दोनों टीमें, जो भी टीमें इस बार वर्ल्ड कप में आई है, जो मिक्स टीम है, सबसे जूनियर टीम थी नाइजीरियन टीम, उसके बाद आपकी इंग्लैंड टीम, तो जितनी टीमें यंग मिक्सर हैं वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ज़्यादा रनिंग करते हैं, और फुटबॉल में दम, आपको 90 मिनट्स दौड़ना है, मतलब एक अगर रेफरी जो खिलाते हैं ग्राउंड के अंदर, वो 14 से 15 किलोमीटर दौड़ते हैं जो फुटबॉल का देखते हैं, तो एक हाफ का प्लेयर वो भी 15 किलोमीटर दौड़ता है, तो इसके अंदर जो अच्छा खेलेगा, जो मैन टू मैन मार्क करेगा, जो ऑल आउट फुटबॉल खेलेगा, वही अच्छा खेलेगा। बिल्कुल, फॉर्मेशन भी दोनों टीमों की जो मोस्ट लाइकली वाली है वो हमारे सामने है। और इंग्लैंड की बात करें तो फाइनल तक का उनका सफर एक चीज और मैंने देखी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है, क्या ये चीज उन्हें कमजोर बना सकती है? पहला मैच इन्होंने पनामा से जीता, फिर ट्यूनिसिया से जीता, लेकिन हर्डल आस्ते आस्ते पार किया है। आप कम आंकना बड़ा मुश्किल है, हर हर्डल पार करके फाइनल तक आए, कोलंबिया को मारा, तो ये एक टीम ऐसी टीम है और बहुत एक्सपीरियंस टीम है,
और लगातार सबसे बड़ी बात है इस बार वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में मीन्स 2017 में इन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है, अंडर 21 वर्ल्ड कप जीता है, और वो चाहेगी कि सीनियर वर्ल्ड कप भी जीते कि इंग्लैंड का। सबसे बड़ी बात इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं करीब 30,000 से 40,000 जो सबसे डेंजरस सपोर्टर है, वो सपोर्टर सब आ गए हैं। फुटबॉल सपोर्ट से भी होता है थोड़ा, और ऑडियंस ने ज़्यादा वॉकआउट करेगा, फुटबॉल अच्छा खेलेंगे, लेकिन टीम बहुत अच्छी है क्योंकि ये ईयर में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और इनके जितने भी गोल हुए हैं वो सेट पीसेस में गोल हुए हैं। बिल्कुल, इंग्लैंड भी अपना जी जान लगाना चाहेगी। इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, बहुत ही मज़ेदार, कांटे की टक्कर हो सकती है। और इंग्लैंड में तो एक ही नारा है कि इट्स कमिंग होम, फुटबॉल इज कमिंग होम। बहुत शुक्रिया नादी सर इस पूरी बातचीत के लिए, हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात टेनिस की।